हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ चटपटा चना चाट, जो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बना के खा सकते हैं। और ये चाट बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चटपटा चना चाट बनाने के लिए मैंने 2 बाउल चने लिए हैं, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, लेमन जूस लिया है, हरे धनी की पत्तियाँ ली है, 1 बारीक कटा हुआ आलू, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मीठी सौंठ, नमक, चाट मसाला और रेड चिल्ली पाउडर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली बाउल लिया है, उसमें मैंने प्याज ऐड कर लिए, ये बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने। अब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है, टमाटर हमने ऐड कर लिए है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सब्जियाँ खानी पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिया उबला हुआ, टमाटर भी मैंने सारा ही ले लिया क्योंकि मैं सारे चने की चाट बना रही हूँ। और ये चने जो है हमारे उबले हुए हैं, हरी मिर्च ली 1 बारीक कटी हुई, धनिया को चलो हम लास्ट में ऐड करते हैं, एक बार पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च को मिक्स कर लिया और अब हम इसमें ऐड करते हैं चने। ये उबले हुए चने हैं, सुबह एक्चुअली मैंने चने बनाए थे, छोले बनाए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा बॉइल कर रहे थे कि इवनिंग स्नैक्स में हम इसकी चाट बना के खाएंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है, तो आप इसे अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी और झटपट बन के रेडी हो जाती है। विद इन 5 मिनट्स में आप इसे बना सकते हैं, 5 मिनट्स में बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए मैंने सारे चने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही सिंपल सी चाट है जो जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे, चने के अंदर हम आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच मीठी सौंठ। पहले मैं 2 चम्मच मीठी सौंठ ऐड कर रही हूँ। ये मीठी सौंठ भी मैंने घर पे ही बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, नमक आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। वन टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है और इसकी भी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की थी। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, नींबू का रस। और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए विद इन 5 मिनट्स में बन के रेडी हो जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपके लिए बहुत ही हेल्दी चाट है, बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। आपको अच्छी तरह इसे एक बार मिक्स करना है। और चने आपके ऐसे होने चाहिए छोले जो है उबले हुए, कि ज़्यादा उबले हुए नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, नहीं तो वो अच्छी तरह इसमें आलू के साथ ही मैश हो जाएंगे, इसलिए हमें चने को बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करना है। ये देखिए ये आपकी चाट बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको लगता है इसमें सौंठ कम है तो आप इसमें थोड़ी सी सौंठ और ऐड कर देंगे हम। और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी धनिया की पत्तियाँ। हरी धनिया की पत्तियाँ देखिए आधी मैंने अभी ऐड कर दी है और आधी मैं इसको सर्व करते टाइम इसमें ऐड करूँगी। और जब आप इसे सर्व कर रहे हैं तो सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर कोई भी नमकीन ऐड कर सकते हैं, आलू के लच्छे, नमकीन, जो भी आपको पसंद है वो स्पाइसी से आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं सर्व करते टाइम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी आलू चना चटपटा चाट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है और झटपट बन के रेडी हो गई है। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आलू चना चाट की रेसिपी कैसी लगी। चटपटी अगर आपको मेरी आलू चना चाट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए। और ये देखिए सर्व करते टाइम मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल दी है और हरी धनिया की पत्तियाँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।